हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल स्वाद से सेहत तक में। क्या आपका भी कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है लेकिन आप बाहर का खाना नहीं खाना चाहते? तो कोई बात नहीं, इसका सलूशन है मेरे पास। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही चटपटी रेसिपी, वो है कुल्हड़ पिज्जा। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने दो बड़ी साइज की ब्रेड ली है, आपके पास जो भी ब्रेड हो आप उससे बना सकते हैं। अगर ब्रेड ना हो तो पाव या बर्गर वाले जो बनाते हैं उनसे भी बना सकते हैं। ब्रेड को हम इस तरीके से पहले छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। ये देखिए, इसे हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ब्रेड को हम बिना तेल के इस तरीके से हल्का सा सेक लेंगे, इससे हमारी ब्रेड बहुत क्रिस्पी हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, ब्रेड हमारी सिक चुकी है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कढ़ाई में एक चम्मच तेल डाल देंगे। तेल हल्का सा गर्म हो गया है। अब इसमें एक कटी हुई प्याज और आधी कटी हुई शिमला मिर्च को डाल देंगे। इसे हल्का सा भुनेंगे। इसमें 100 ग्राम पनीर डालेंगे और आधा कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। टमाटर के बीज मैंने हटा दिया था। फिर इसमें थोड़ा सा स्वीट कॉर्न डाल देंगे। दोस्तों, सब्जियां आप इसमें कम या ज्यादा कर सकते हैं, आपको जो सब्जी पसंद हो आप उसे डाल दें। अब इसमें मैं 2 चम्मच मेयोनीज, 2 चम्मच पिज्जा पास्ता सॉस और 2 चम्मच टोमेटो केचप को डाल करके मिला दूंगी। अब इसमें 1 चम्मच मिक्स ऑरिगेनो, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 स्लाइस चीज की डाल देंगे। चीज को इस तरीके से टुकड़ों में करके डाल देंगे। फिर इसमें मोजरेला चीज डाल देंगे। यहाँ मैंने 2 तरह की चीज का इस्तेमाल किया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसमें सिकी हुई ब्रेड को डालकर अच्छे से मिला देंगे। हमारी फिलिंग एकदम तैयार है। चलिए दोस्तों, हम देसी तंदूर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पतीला गर्म होने के लिए रखा है। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। दोस्तों, ये नमक मेरा बहुत पुराना है। इस नमक का इस्तेमाल मैं बहुत बार कर चुकी हूँ, इसलिए काला दिख रहा है। अब इसमें प्लेट रखकर इसे फुल आंच पर गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। चलिए अब अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ मेरे पास इस तरीके से कुल्हड़ है। अगर आपके पास कुल्हड़ ना हो तो आप इसे किसी कटोरी या गिलास में भी बना सकते हैं। इस कुल्हड़ में हम इस मिक्सचर को आधा भर देंगे। फिर इसमें थोड़ा सा मोजरेला चीज डालेंगे। वापस से फिर इसे ऊपर से मिक्सचर से भर देंगे। अब इसके ऊपर मोजरेला चीज डालेंगे। फिर थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे। यहाँ हमने चारों कुल्हड़ को तैयार कर लिया है। अब इसे हम अपने देसी जुगाड़ू तंदूर में डाल देंगे और ढककर 5 मिनट के लिए पकाएंगे। दोस्तों, आप चाहे तो इसे अवन में भी पका सकते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए दोस्तों, पिज्जा के ऊपर की चीज अच्छे से पिघल गई है। अब इसे बाहर निकाल देंगे तो तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी, बाजार से भी अच्छा कुल्हड़ पिज्जा। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी इसे खाकर खुश हो जाएंगे। सिर्फ 10 मिनट में तैयार होने वाली बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, तो इसे घर में आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। बाय बाय।